ओवरऑल सर्विस एरिया है जो यहाँ पर देखिए श्री बालाजी मोटर्स। सो किसान साथियों, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जैसा कि स्वराज ट्रैक्टर जो 742 एक्सट्री के अंदर है हमारे सामने, आपको इनके बारे में आपको इस ट्रैक्टर का रिव्यू कराऊंगा फुल, और फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों देखिएगा, ये स्वराज 742 ट्रैक्टर है जो एक्सट्री के अंदर आता है। ये 45 हॉर्स पावर की श्रेणी का एक शानदार और बेस्ट ट्रैक्टर है जो आपको इस रिव्यू के अंदर पूरा ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। साथ में ही आपको क्या कुछ फीचर दिए गए वो सभी मैं बताने की प्रयास करूंगा। तो चलिए इस ट्रैक्टर को आगे से देखते हैं। तो आगे में आपको एक जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो हेलोजन हेडलैम्प आपको देखने को मिलते हैं दोनों साइड में ही, जो काफ़ी अच्छा बॉडी के साथ में, और जस्ट नीचे ही नेट के ऊपर आपको स्वराज की बैजिंग देखने को मिलती है। और साथ में ही इस बम्पर की बात करें तो बम्पर के साथ में आपको एक हिज भी मिलता है जो एडजस्ट कोई भी क्रॉसिंग वगैरह कर सकते हो। साथ में ही इसका वेट के बारे में बताएं, जो बम्पर का वेट दिया गया वो 40 केजी की यानी कि इसकी केजी में दिया गया जो वेट है इस बम्पर का, जो काफ़ी बढ़िया है। और एक्सल के बारे में बताएं आपको, तो एक्सल देखिए यहाँ पर एडजस्टेबल एक्सल है, वो भी सीधा दिया गया और काफ़ी हैवी दिया गया, काफ़ी मजबूत है, जो एडजस्ट भी आप हॉल के अनुसार साइज में बड़ा छोटा कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। और साथ में ही आपको टायर की बारे में बताएं तो गुड़ियर के टायर दिए गए जो 6016 के दिए गए हैं। साथ में ही रिम का कलर है वो वाइट दिए गए हैं, एंड यहाँ पर जैसे कि इसका जो स्टिकर वगैरह दिए गए वो यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे कि स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग साथ में आता है और सिंगल में भी आपको मिल जाता है। तो अभी ये सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग के साथ में उपलब्ध है, सो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। और उसी के साथ आपको यहाँ पर इस ब्रांडिंग के बारे में बात करें तो स्वराज 742 XT दिया गया, जो काफ़ी अच्छा बढ़िया मेंशन किया गया यहाँ पर। और जस्ट नीचे यहाँ पर 3 स्टार देखने को मिलता है और RPTO यानी कि रिवर्स PTO के साथ में ये ट्रैक्टर है, जिसका मार्को स्टिकर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो बैटरी बॉक्स दिया गया वो साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स देता है इसकी कंपनी, जो इंजन से काफ़ी दूरी पर है, जो कोई गर्म वगैरह कुछ फॉल्ट वगैरह हो तो काफ़ी स्विचेबल बैटरी देता है। और साइड में यहाँ पर आपको मिरर देखने को मिल जाता है, बैक साइड का व्यू देख सकते हो, एंड साइलेंसर है सो काफ़ी बढ़िया दिया गया लंबी साइज में। एंड यहाँ पर देखिए एयर क्लीनर 3-स्टेज टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है जो ऑयल फिल्टर के साथ में। और यहाँ पर आपको जैसे कि देखिए डीजल फिल्टर एंड वाटर सेपरेटर देखने को मिलता है। और इंजन की बात करें तो 2000 इंजन रेटेड RPM में जो 3 सिलेंडर के अंदर इसका इंजन दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड जो इसकी हॉर्स पावर शक्ति में बताऊं तो यानी कि 45 जैसा कि आपको आगे ही बताया है। और साथ में ही इसका डीजल टैंक दिया गया, यहाँ से आप डीजल डाल सकते हो जो की लॉक के साथ में है। जो इसका डीजल टैंक दिया गया वो 46 लीटर से 50 लीटर के बीच में आता है, जिसमें 46 से 50 लीटर आप डीजल भर सकते हो, इसमें डीजल दिया गया। और बोनेट को खोलना हो तो यहाँ पर आपको इसका दिया गया बटन जो इसको खोलते हैं यानी कि खोल सकते हैं इस प्रकार से, जो दोनों साइड में हो और जो साइड में खुलता है, आगे के लिए पूरा नहीं होता यानी कि यहाँ से खोल सकते हैं ये देखिए। और अंदर की साइड में कूलेंट वगैरह लगे हुए हैं और एंड पूरा इंजन वगैरह वर्किंग यानी कि मेंशन किए गए हैं, एकदम एडजस्ट किए गए अच्छी तरह से। ये है इसका डीजल टैंक जो काफ़ी बढ़िया है। और अब बात करते हैं इसके जो पावदान वगैरह दिए गए, ये 2 स्टेप बाई पावदान है जो ऊपर की साइज में है, जो आप आराम से चढ़ सकते हो और उतर भी सकते हो। और कलस के बारे में बात करें तो इसमें डुअल कलस दिया गया है और सिंगल कलस में भी आता है। PTO का जैसा कि आपको बताया आगे स्टिकर दिया गया जो PTO है रिवर्स PTO के साथ में आता है, काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। एंड अभी ले चलते हैं आपको डैशबोर्ड पर, और जैसा कि स्वराज का डैशबोर्ड है काफ़ी सबसे हटके, यानी कि कंपनी कोई होती है ना वो तो हटके ही बनाती है, अलग अलग सेम यानी कि सेम किसी का होता भी नहीं डैशबोर्ड, यानी कि काफ़ी उसी साइज में दिया गया और इसकी साइज काफ़ी बढ़िया सी दी गई है। साथ में स्टीयरिंग की बात करें तो सिंगल स्टीयरिंग जैसा कि आपको बताया, और स्वराज की बैजिंग यहाँ पर दी गई है स्टीयरिंग के बीचों बीच, और स्टीयरिंग दिया गया वो काफ़ी स्मूथ एंड छोटी साइज में, जो हम आसानी से ट्रैक्टर को यानी कि घुमा फिरा सकते हैं। तो साथ में ही यहाँ पर मीटर देखने को मिलता है डीजल वाले और टेम्परेचर वगैरह, एंड यहाँ पर आपको जो इसके रनिंग होता है ट्रैक्टर कितना कुछ चलता है वो यहाँ पर बताता है। तो काफ़ी बढ़िया RPM वगैरह एंड लाइट वगैरह दिए गए हैं, एंड स्विच सॉकेट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। हैंड वाली रेस दी गई है यहाँ पर और मिरर, एंड आपको बता दे तो ब्रेक्स दिए, ऑयल वाले ब्रेक दिए गए हैं, पास में ही फुट रेस दी गई है
पैर वाली रेस एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते आरामदायक यानी कि स्टैंड दिए गए जो आप आराम से फुट रेस्ट कर सकते हो चलाते समय। एंड गियर सिस्टम के बारे में बात करें तो आगे के लिए फोर गियर यानी कि 8 आगे के लिए 2 पीछे के लिए गियर सिस्टम दिया गया है। और हाँ, ये दिक्कत सभी को आती है कि स्टीयरिंग सेंटर शिफ्ट गियर सिस्टम आता है तो हमें उतरने और चढ़ने में कोई दिक्कत होती है, वो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी खुला स्पेस दिया गया है और प्लेटफॉर्म काफ़ी खुली सी साइज में दी गई है। और साइड में ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको DC और PC में लीवर देखने का मिलेगा जो आप आसानी से कंट्रोल में कर सकते हो लिफ्ट को। और साथ में ही आपको यहाँ पर साइड में टूल बॉक्स देता है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट है चार्ज मोबाइल को करने के लिए, आपको यहाँ पर पोर्ट दे रहा है जो आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, काफ़ी बड़ी सुविधा दे रहा है स्वराज। और इस साइड में आप देखेंगे तो आपको 546 पर CRVTO देखने को मिलता है जो रिवर्स के साथ में है और टूल बॉक्स दिया गया है साइड में काफ़ी बड़ा सा। और जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटर का वाल्व भी सीट के नीचे दिया गया है जो डुअल यानी कि डुअल में आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल देखने को नली पाइप मिलता है जो काफ़ी बढ़िया है। पीछे के साइड में मैं आपको दिखाऊंगा और सीट है वो आगे और पीछे हाइट वे अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी बड़ी स्मूथ यानी कि शानदार सीट दी गई है आरामदायक जो आप आराम से इसके ऊपर बैठ सकते हो। सेफो के ऊपर मरगार्ड के ऊपर देखें तो दोनों साइड में आपको हैंडल देखने को मिलते हैं पकड़ने के लिए जो आराम से बैठ सकता है एक्स्ट्रा बंदे, और इंडिकेटर हैं कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। साथ में ही बैक वाले टायर देखिए, ये गुडियर के टायर है जो 13 से 28 के टायर देती है कंपनी, इसके अलावा कोई ट्रैक्टर में कोई दूसरा टायर नहीं देती है कंपनी। अब दिखा लेते हैं यानी कि बैक वाला हिस्सा ट्रैक्टर का जो आप देखिएगा यहाँ पर बड़ी सी लाइट दी गई है, इंडिकेटर टेल लाइट दी गई हैं। एंड आपको बता दें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल के बारे में, जैसा कि बताया डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल दिया गया जो एम्फ्लाउ वगैरह ट्रॉली वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो जो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है लॉक सिस्टम के साथ में, और इसका अलग भी लीवर आता है जो ऑन ऑफ करने का। एंड इसमें हिज दिया गया एडजस्टेबल हिज है और 3 लिंकेज में आपको यहाँ पर पॉइंट देखने को मिल जाते हैं एंड 4 है यहाँ पर, एक और है जो बड़ी वगैरह कुछ यहाँ पर पाइप लगा सकते हो। एंड ट्रॉफलिंग दे रहा है। एंड लिफ्ट के बारे में बताएं तो आपको लिफ्ट ये 1800 kg की लिफ्ट क्षमता है इस स्वराज में 742 के अंदर। एंड जो इसकी लिफ्ट है वो यहाँ से आप छोटे मोटे साइज में भी एडजस्ट कर सकते हो तो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। एंड रिफ्लेक्टर दिया गया सीट के पीछे, बोतल होल्डर दिया गया है। एंड ये कुछ इसका ट्रैक्टर के फ्यूचर वगैरह है। एंड आपको जैसा कि यहाँ पर बताया तो इसका साइंस 1977 मार्का दिया गया है सॉल्ट पावर का। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रैक्टर किसान भाइयों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने राय से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ट्रैक्टर के कौन से फ्यूचर को यानी कि हमने नहीं बताया तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं बताने की कोशिश करूँगा। एंड इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में तो मैं क्षेत्र के हिसाब से कुछ डिफरेंट होता है वो मैं पूरी फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन आपको हाँ ये है कि इसकी प्राइस है वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। एंड ये ट्रैक्टर आपको पसंद है तो वीडियो को पूरी तरह से लाइक करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा, एंड हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही एक शानदार न्यू वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए यार धन्यवाद धन्यवाद, जय जवान जय किसान। एंड साथ में ही आपको लास्ट में ही आपको बताना चाहूँगा कि स्वराज सर्विस एरिया है जो यहाँ पर देखिए श्री बालाजी मोटर्स, ये भीनमाल के अंदर आता है राजस्थान के भीनमाल में, तो यहाँ आकर आप कॉन्टैक्ट नज़दीक से हो तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा और आपको यहाँ पर हर मॉडल स्वराज के देखने को मिल जाते हैं जो स्वराज सर्विस एरिया श्री बालाजी मोटर्स। धन्यवाद।